नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। लड़कियों के प्रति जागरूकता के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट से तंग आकर दे दी जान। शनिवार को लड़की का सुसाइड नोट मिलने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हुआ। बता दें कि लड़की ने अपने सुसाइड नोट की शुरुआत में लिखा है, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकिए। साथ ही उसने इसमें पीड़ित के मानसिक दुख का भी जिक्र किया है। लड़की ने यह तक लिखा है कि केवल माँ की कोख और कब्र में ही लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, सभी माता पिता अपने बेटे को लड़की का सम्मान करना सिखाए। इंडिया टुडे के मुताबिक छात्रा ने लिखा है, एक लड़की को रिश्तेदार और अध्यापक का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। लड़की के मुताबिक रिश्तेदारों का घर और स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। उसने यह भी लिखा, एक लड़की के लिए अगर धरती पर कोई सुरक्षित जगह है तो वह माँ की कोख या फिर कब्र है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तमिलनाडु के चेन्नई में एक नाबालिग लड़की का है, जिसने सेक्सुअल हरासमेंट से तंग आकर जान दे दी। यह लड़की चेन्नई के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पिछले हफ्ते चेन्नई के मंगाडू स्थित उसके घर में उसका शव पंखे से लटका पाया गया। शनिवार को उसका सुसाइड नोट मिलने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हुआ है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी अपने गाँव, शहर, गली, मोहल्ले की खबर हमारे चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7409720947 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।